तो आशीष, कैसा रहा पिछले 2 हफ्ते, पिछला 1 हफ्ता? बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द 1st of February, और तब से लेकर के अभी तक कैसा हलचल लग रहा है आपको आर्थिक जगत में, बिजनेस के फील्ड में, कैसे आपको इनपुट्स आ रहे हैं? बहुत उम्मीद थी लोगों में, पीपल वर रियली एक्सपेक्टिंग समथिंग फॉर द मिडिल क्लास, समथिंग फॉर द सैलरीड क्लास. And even finance minister in her own words had kind of teased people that it will be a budget of whatever century. And then budget came and announcements were made. And if you just dissect the entire population into like salaried and working class and all that, not much came along the way. Three, four big talking points, jo teen char badi baatein thi, wo thi ki government is going to allocate huge sum of money for the next financial year which starts from April 1 और infrastructure में spend करेंगे, मतलब सड़के का निर्माण होगा, pulls का निर्माण होगा, privatization पे पहली बार बहुत बड़ा जोर आया है. ये वही पार्टी है, context देने के लिए, जो आज से पहले जब अपोजिशन में होती थी, जब अटल जी का दौर था, अडवाणी जी का दौर था, तो टोटली अपोजिशन में होती थी, privatization नहीं करना, ये नहीं करना. फिर अटल जी आते हैं गवर्नमेंट में और डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री उन्हीं के कार्यकाल में बनती है. एंड देन ही वाज द वन एंड अरुण शौरी जी वाज द मिनिस्टर हु शोड कि हाउ डिसइन्वेस्टमेंट कैन बी डन. सो दिस वाज अ बिग टेक अवे दैट गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिग एंड देन ट्राइंग, आई मीन लेइंग अ रोड मैप फॉर प्राइवेटाइजेशन. एंड दे आर दिस टाइम स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, फिस्कल डेफिसिट को सबको असाइड कर दिया है वरीज को. लेकिन बाकी मिनिस्टर्स का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, लाइक अमित शाह से लेकर के जो बाकी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, हाउ आर दे रिएक्टिंग टू द बजट? जी, तो सरकार को दूसरे दिन ये प्रतीत हुआ, मेरे ख्याल से ऐसा मेरा रीडिंग है, सेकंड और थर्ड डे, दैट द एंटायर द फाइन प्रिंट ऑफ दिस बजट मे बी पब्लिक को समझ में नहीं आया है. ओके, तो अमित शाह जी, होम मिनिस्टर जी ने एक कोई एक लेख लिखा एक लीडिंग पब्लिकेशन में, ट्राइंग टू टेल कि भाई ये बजट क्यों अच्छा था. अच्छा. क्या क्या चीजें आप शायद ध्यान नहीं दिया होगा, तो उन्होंने 3-4 पॉइंट्स पे लोगों का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की. देश के एक बड़े अखबार में उन्होंने उनका शायद लेख छपा था 2-3 तारीख को, और मेन चीज उन्होंने वही रिट्रेट किया कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिए, 5.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, इससे निर्माण कार्य शुरू होगा, निर्माण कार्य जब शुरू होगा तो इससे रोजगार के चांसेस और बढ़ जाएंगे. उसके बाद उन्होंने एक बड़ा हाईलाइट किया कि एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का बजट स्पीच में निर्मला सीतारमन हैड पॉइंटेड आउट दैट दे विल बी क्रिएटिंग इन दिस कमिंग फिस्कल एट DFI. सो ही गेव अ टर्म कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विल बी क्रिएटेड, और ये बेसिकली प्रोजेक्ट में फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में पूरा पुश लगाएगा, इसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग होगी, फंडिंग होगी. हाँ, और फिर छोटी छोटी 2-3 बातों पर उनका लेख जिक्र करता है कि LLP एक एक्ट है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की, उसमें डीक्रिमिनलाइजेशन के प्रोविजंस ऐड किए जाएंगे, वो एक्ट थोड़ा अमेंड किया जाएगा. बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट, जैसे कि आप स्टार्टअप इंडिया पे उन्होंने एक फंड का ध्यान दिया, जो जनरली मीडिया मिस कर गई थी, कि करीब 995 करोड़ का, 945 करोड़ का फंड रखा है अभी भी, क्यों वो गई नहीं है स्कीम. दिस वाज स्कीम, इफ यू ऑल रिमेंबर, दिस वाज लॉन्च्ड विद ह्यूज फैनफेयर इन द फर्स्ट टेन्योर ऑफ द फर्स्ट 5 years ऑफ NDA गवर्नमेंट. एंड व्हाट, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग आशीष, उस टाइम फंड ऑफ फंड इन लोगों ने अनाउंस किया था स्मार्ट सिटीज का, जैसा आपने भी अभी कुछ दिनों पहले मेंशन किया था कि स्मार्ट सिटीज वो टर्मिनोलॉजी गायब हो गई है गवर्नमेंट की डिक्शनरी से. फंड ऑफ फंड उतना चला नहीं, पीपल वर नॉट श्योर कि वो 10,000 करोड़ जो एलोकेट हुए थे वो कहां गए. इस साल व्हाट आई अंडरस्टैंड करेक्टली is government has laid more emphasis on one man company. Like if you are a single man company, then you have more advantages as compared to a startup. Yeah. Right? So the first time when ye Companies Act amend hua tha aur law mein aaya tha 2013 mein under UPA, this was the provision, this was the first time one person company ka concept introduced kiya tha. I remember Sachin Pilot was the Minister for Corporate Affairs and he was given a lot of credit for easing it, basically helping startups, helping like people like you and me. If we want to start our own company, you don't need to have a director or a second person, minimum net worth requirement, ye wo. अब इन्होंने गवर्नमेंट में उसमें एक और मेजर स्टेप है, दिस कैन बी टर्म्ड एज मेजर स्टेप टू इनकरेज पीपल हु हैव अ वन पर्सन कंपनी, व्हाट आर द इजियर थिंग्स दे कैन डू, लाइक नो रिस्ट्रिक्शन, दे कैन एनी टाइम अपस्केल देयर कंपनी इनटू अ नॉर्मल कंपनी, हैविंग दे कैन गेट मोर डायरेक्टर्स, दे अनाउंस अ फ्यू ईजिंग ऑफ नॉर्म्स, बट दिस रिक्वायर्स, ये सब चीजों के लिए कानून में संशोधन करना पड़ेगा, जो आने वाले समय में सरकार ने कहा है, अब देखते हैं. देखिए,
बजट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो लोगों को 1 फरवरी को बोला जाता है जब दिल्ली में सर्दी पड़ रही होती है, और काम इसका सारा आने वाले सालों में होता है। अभी आज बजट सेशन का पहला दौर खत्म हो गया, आज फाइनेंस मिनिस्टर ने अपना रिप्लाई दिया, पूरे हफ्ते बजट पे डिस्कशन चल रहा था, अपोजिशन पार्टीज ने बहुत क्रिटिसिज्म किया, कांग्रेस का क्रिटिसिज्म, स्पेशली मिस्टर पी चिदम्बरम फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर टोर इनटू इट सेइंग दैट दिस इज अ बजट बाय द रिच फॉर द रिच फॉर हिज फ्यू फ्रेंड्स। अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट वॉज डिफीटेड इन द 2004 जनरल इलेक्शन, द जीडीपी ऑफ कंट्री वॉज एस्टिमेटेड एट कॉन्स्टेंट प्राइस एट दैट टाइम एट 32 लाख करोड़, एंड वेन Congress, the UPA demitted office in 2014, the GDP of the country was 105 lakh crore, 105 lakh crore ka tha. Aur uske baad wo batate hain ki 2017 mein ye 131 lakh crore tha, 18-19 mein 140 lakh crore ke aas paas tha, 19-20 mein ye khich ke 145 lakh crore pahuncha, aur abhi COVID aa gaya uske baad, slowdown chal hi raha tha. First half mein, according to former finance minister Chidambaram, first 6 months would yield about 60 lakh crore and the next 6 months at the best will yield another 70 lakh crore. So entire GDP for 2021 may not be more than 130 lakh crore, which he termed in parliament ki lot ke we have gone back 3 years ago. FY18 ka GDP tha ye. To aap kya baat kar rahe hai? Because finance minister gave lot of projections also in her speech saying that ki next fiscal will grow at some 9.5% of GDP growth, pehle ka sab negate ho jayega. So in that context he was saying ki aap add karoge sara number, inflation factor karoge, GDP ke number returns dekhoge, koi growth nahi hai, we are flat and we will remain flat for next 2 financial years. Congress, I mean, I'm not taking any political sides, I'm being apolitical, but Congress always mentions growth in the GDP figure. What they do not tell is the rise in fiscal deficit as well every year. Okay. And this government, since it has come, and I'm not taking any sides, but इन्होंने petrol और diesel का deregulation किया, subsidies वहां से हटाने की कोशिश की, farm laws पे भी इन लोग subsidy हटाना चाहते हैं, अभी उसी का इतना farm laws का बवाल चल रहा है. But do you think that there is an element of, आपने bank privatization का भी mention किया था, do you think that the government will be able to privatize? And जो bad bank creation की बात हो रही है, they will be able to create a bad bank, and the body जो उन लोगों ने asset reconstruction company की बात करें, do you think ये possible है? क्योंकि इस government के core जो agenda होता है, वो उनका हमेशा ही रहता है कि भाई subsidy हटानी है, exchequer पे load कम करना, fiscal deficit कम से कम रखना. अभिनव जी, स्थिति अभी ऐसी आ गई है कि आमदनी बहुत ज्यादा गिर गई है, खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है आसान भाषा में, और ये जो 12-12.5 लाख करोड़ सरकार को बोरो करना है, उन्होंने बजट स्पीच में ही बोला है, और ये सारा पैसा, ये जमा, ये खर्च और आमदनी के बीच के फैसले कोई फर्क करने में चला जाएगा. अच्छी चीज जो दो बातें बोली कि उन्होंने एक रोड मैप दे दिया कि 25-26 फाइनेंशियल ईयर तक हम ये फिजिकल डेफिसिट को हम 3.5% पे लाने की पूरी कोशिश करेंगे. इस साल हमने साइड में कर दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत बड़ा खर्च कर दिया है. तो ये 3-4 चीजें उन्होंने रखी हैं. अगर ये भी नहीं भी वो देखिए, करना तो पड़ेगा. करने के लिए सबसे पहला है कि आप माइंड क्लियर कर लीजिए एज ए मिनिस्टर, एज हेड ऑफ कंपनी गवर्नमेंट, यू टेल योर ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज काम उनके थ्रू लेना है कि दिस इज माई रोड मैप, एंड आई एम श्योर ब्यूरोक्रेसी हैज टू बी ऑन बोर्ड, दे वेयर ऑन बोर्ड दिस थिंग. सो प्राइवेटाइजेशन अब कितनी हो पाएगी, जैसे सबसे बड़े एक्सपर्ट्स आर putting doubt कि LIC, Life Insurance Corporation of India, देश का इतना बड़ा, सबसे बड़ा basically एक silent investor है जो हमारे stock markets में पैसा लगाता है. Every government uses it. Anytime any crisis there, LIC is asked. LIC is there as a buffer. Go and invest in that company. Rescue banks, rescue infrastructure financing company and all. Now, how much will that? People are saying, अगर best market रहा अच्छा तो September October तक LIC का disinvestment से ही, listing करने से ही करीब 1 लाख करोड़, 90,000 से 1 लाख करोड़ आ जाएगा. बहुत अच्छा लगता है पेपर पे, क्योंकि टारगेट इन्होंने 1.75 लाख करोड़ का रखा है. तो अगर पॉइंट जो नोट करने की थी कि पिछले फाइनेंशियली कोविड वाले में उन्होंने 2 लाख से ऊपर disinvestment figure रखा था, रेज किया कुछ 30,000 करोड़.
इन्वेस्टेशन और कम था, टारगेट ज्यादा, लास्ट में कम, गैप बड़ा. बजट स्पीच बहुत अच्छी है. अगर हम सिर्फ बजट को स्पीच की तरह और अनाउंसमेंट की तरह, दैट्स एन इंटरेस्टिंग, दैट्स एन इंटरेस्टिंग एनालॉजी. एंड इन फैक्ट आई रिमेंबर एयर इंडिया डाइवेस्टमेंट से अगर सरकार ने कुछ सीखा है तो मतलब अभी तक वो दे हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड अ बायर. द रीजन बीइंग दैट दे ऑलवेज वांट टू कीप स्पेशल पर्पस व्हीकल व्हिच आर द बेस्ट यूनिट्स ऑफ एयर इंडिया फॉर दैट मैटर, लाइक इंजीनियरिंग डिवीजन, रियल एस्टेट विद देमसेल्व्स, एंड टू सेल द लॉस मेकिंग एंटिटीज. आई थिंक दैट अप्रोच हैज चेंज्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. बट जो तीन चार पॉइंट वित्त मंत्री ने बोला, बिकॉज शी वॉज लिस्निंग टू ऑल द क्रिटिसिज्म एंड ऑल द हार्श वर्ड्स व्हिच वर स्पोकन. I mean, Congress party literally said, we reject this thing. Take it back. Mm. You have not given any cash. People required cash. World ke best economists, duniya bhar se awaaz karne ki, logon ke jeb mein paise daaliye. Aap log lage mein dusre kaam karne mein. To aaj jo unhone jawab mein diya, unhone apne kuch tark rakhe aur aankade ginaye. Jaise unhone kaha ki kareeb 1.7 crore houses Pradhanmantri Awas Yojana mein ban chuke hain. इलेक्ट्रिसिटी करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा, 2.7 करोड़ हाउसेस में इलेक्ट्रिसिटी चली गई है. उज्ज्वला योजना को और बढ़ा दिया गया है थोड़ा सा, 1 करोड़ और घरों में जाएगा. और उनका मेन लॉजिक है कि ये बजट इस साल की कोविड साल को टैकल करने का भी एक प्रयास था, बट आने वाले कई सालों पर नजर है. तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्पेंड बिग, इट्स गोइंग टू हैव अ रिपल इफेक्ट. And the more assets we create, the more infrastructure हम लोग निर्माण करते जाएंगे. और जो इन्होंने अपना प्लान बताया है, अगर इस पे ये टिके रहे, उम्मीद तो यही है. सी, आज हम लोग फरवरी में ही बैठे हैं, तो let's be optimistic कि जो बोल रहे हैं, अगर इनमें से अधिकतर चीजों पे काम या तो शुरू हो गया या हो पाया, तो पैसे रेज होंगे. प्राइवेटाइजेशन करना अब मजबूरी हो गई है. गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ रनिंग बिजनेस. बोल्ड बजट एज अ लीन बजट, बट आई अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर आल्सो मेंशनिंग दैट देयर वर नो स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स फ्रॉम द आम आदमी पर्सपेक्टिव, मतलब कि इनकम टैक्स क्लास नथिंग. हां, गुड थिंग यही है कि टैम्पर नहीं किया. हो सकता था सरकार टेम्पर कर देती, कुछ और स्लैब में चेंज करके कुछ बढ़ा देती. करेक्ट, वो नहीं किया. लेकिन हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम आप देख रहे हो थोड़ा सा बढ़ गए. सरकार ने कहा था नहीं बढ़ेंगे, हम जो रिजेक्ट कर रहे हैं. उन्होंने जो सेस लगा दिया है, सेस लगाने का पीछे अपोजिशन का चार्ज भाई, ताकि सेस डजंट गेट शेयर्ड विद स्टेट्स. आप राज्यों के साथ अपने सेस वाले कंपोनेंट शेयर नहीं करते हो, इसलिए अपना सेस लगा रहे हैं इस चीजों पर.